मेरा नाम हिना कौसर है और मैं सबसे पहले महमूद सर और बुशरा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो शमाना मैम है वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने औरतों को इस काबिल समझा कि वो भी समाज में अपनी नई पहचान बना सकती हैं। मेरी आइडल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनकी विलादत जब हुई थी तो उनको दूसरी सानिया ज़ैरा का लक़ब दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जो माँ के असर होते हैं, जो सीरत होती है, वो बच्चों में आती है। तो जो कैरेक्टर जनाब फ़ातिमा ज़ैरा का था, बिल्कुल वही कैरेक्टर जनाब ज़ैनब का था, इसलिए उनको दूसरी सानिया ज़ैरा का लक़ब मिला। और जब जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो रसूल खुदा को जब ये ख़बर पता चली तो वो अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए और कहा कि मेरी राहतें जहाँ को मेरी आगोश में दो। तो जब उनको रसूल खुदा को उनकी बेटी या उनकी आगोश में दी गई तो उन्होंने जनाब ज़ैनब के रुखसार पर अपने रुखसार रख कर रोने लगे। तो जनाब फ़ातिमा ज़रा आती हैं और बोलती हैं कि बाबा जान आप कभी ना रोइए, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटी तुम्हें नहीं पता हमारे जाने के बाद ये बेटी बहुत ही रंजो गम में मुब्तला होगी। तो ये सुनकर फ़ातिमा ज़रा इस्लाम की भी आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी पे रोने वालों को क्या सवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे बेटे हुसैन की मजलूमी और मसाइब पे रोने वालों को मिलेगा, वही हमारी बेटी ज़ैनब के मसाइब से मुतासिर होने वाले लोगों को मिलेगा। और जिस तरह आप सभी को पता है कि करबला में एक बहन ने अपना फ़र्ज़ कैसे अदा किया, हम लोग यही चाहते हैं कि हम भी उसी बहन की तरह बने जिसने अपने भाई को हर मोड़ पर सपोर्ट किया। जब करबला में इमाम हुसैन को सवार करने वाला कोई न था तो जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और अपने भाई को सवार करती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे भी राय खुदा में अपने भाई पर से कुर्बान कर दिए। तो बस हमारी यही उम्मीद है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, बहुत पहले के लोग ऐसे होते थे कि जो बेटियाँ पैदा होती थी तो उनको दफना देते थे, लेकिन हम लोग का मकसद यही होना चाहिए कि हम लोग उनको झूठा साबित कर दें कि बेटियां कमतर नहीं हैं लड़कों से, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो बस हर माँ बाप को यही सोचना चाहिए कि बेटियां लड़कों से कम नहीं होती हैं। यहाँ तक कि ज़ैनब का मतलब ये होता है, जो ज़ैन और अब से मिलकर बना है, उसका मतलब ये है कि बाप की जीनत। तो बापों को भी कभी इस बात की शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए कि बेटी हुई है तो मतलब बेटा होता तो वो नस्ल को आगे बढ़ाता है। यहाँ तक कि सबको पता है कि रसूल खुदा की नस्ल फ़ातिमा ज़हरा इस्लाम के ज़रिए से बढ़ेगी। तो बस हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी को इन्हीं सब बातों पे अमल करना चाहिए है। और जिस तरह की आज़ादी लड़कियों को मिलना चाहिए, अभी तक वो आज़ादी नहीं मिल सकी है।